गाइस, वेलकम टू फूड फन एंड फैक्ट्स विद वर्षा इन हिंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट कुकीज, नारियल के बिस्किट, जो बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आएंगे। और हम बनाएंगे कढ़ाई में, आप चाहें तो कुकर में भी बना सकते हैं। बेसिकली हमें अवन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना अवन के बनाएंगे और बिल्कुल घर के फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, तो बच्चों के लिए भी अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने आधी कटोरी बटर ले घी लिया है, एक्चुअली आप बटर भी ले सकते हैं, और मैंने इसे मेल्ट कर लिया है। आधी कटोरी मैंने नारियल का पाउडर लिया है, सूखे नारियल का पाउडर। आधी कटोरी शक्कर ली है, शक्कर का पाउडर लिया है। और एक कटोरी मैंने लिया है मैदा, एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा दूध ले लिया है, जस्ट इन केस हमें कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी पड़े तो उसके लिए लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक बड़े कटोरी में ये घी डाल रही हूँ, घी पूरे से निकाल लेती हूँ। मैं शक्कर डाल रही हूँ और शक्कर को मैं और घी को अच्छे से चलाएंगे 2 से 3 मिनट। इसको 2 से 3 मिनट ऐसे फेटा तो देखो कैसे क्रीमी सी कंसिस्टेंसी हो गई है, कलर भी देखो चेंज हो गया है। इस टाइम पे मैं डाल रही हूँ ये एक कटोरी आटा और इसे हम फिर से चलाएंगे। देखिए आटा डाल के ये बैटर ऐसा हो गया है, इस कंसिस्टेंसी का हो गया है। इसमें मैं अब डाल रही हूँ कोकोनट। कोकोनट मैं थोड़ा सा बचा के रखूंगी क्योंकि इसको हमें कोट भी करना है एक एक कुकी को। फिर से मैं मिक्स करती हूँ सारा। देखिए हमारा आटा देखिए ऐसे बन के रेडी हो गया है। इस टाइम पे हम ये प्लेट तैयार कर लेते हैं जिसमें हमें इसे बेक करना है। मेरे हाथ में थोड़ा सा घी है, मैं घी लगा देती हूँ इसे ताकि चिपके ना, थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा देती हूँ ताकि प्लेट रेडी रहे। अब फिर से आटे पे आते हैं, इसमें अभी तक हमने बेकिंग पाउडर नहीं डाला था, वो डाल देती हूँ। दूध मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा अच्छे एकदम सही कंसिस्टेंसी आई, पर अगर आपका थोड़ा सा आटा थोड़ा सख्त लगता है तो आप उसमें दूध डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा, दो दो बूंद करके और कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। ये हमारा आटा रेडी है, अब मैं कुकीज़ बनाना शुरू करती हूँ। ये दूसरी कुकी बन के रेडी है। ये आप थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखें क्योंकि ये बेक होने के बाद थोड़ी सी फैल जाएंगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख रही हूँ। कुकीज़ की प्लेट हमारी रेडी है। यहाँ पे एक बड़े कढ़ाई में जो पैन दिया है मैंने, इसमें ये मैंने ये दूध का पतीला रखने वाला इसमें स्टैंड रख दिया है, और मैंने इसको हीट करने के लिए करीब 5 मिनट पहले ही गैस पे रख दिया था और अच्छी मतलब ही हाई पे रखा था। अब मैंने गैस सिम कर दी है और अब ये मैं प्लेट इसमें डाल दूंगी और अब हम इसे ढक देंगे। इससे करीब सिम पे ही करीब 20 से 25 मिनट हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। बाकी की कुकीज़ मैं अवन में बना रही हूँ, तो 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैंने प्रीहीट किया था जो कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो मैं इसे 15 मिनट के लिए इसमें अवन में डाल देती हूँ और फिर हम कंपेयर करेंगे कढ़ाई में बेक की हुई और अवन में बेक की हुई कुकीज़ को। आधे घंटे तक कढ़ाई में बेक करने के बाद हमने गैस बंद कर दी, ठंडा होने दिया और हमारी कुकीज़ ठंडी है, निकाल सकते हैं। देखिए कितनी परफेक्ट होनी है, इसे मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये कढ़ाई की बेक की हुई कुकीज़ हैं। अब हम अवन में देखते हैं कि भी कुकीज़ 15 मिनट में हो गई थी, मैंने अवन बंद कर दिया था, उसके बाद अब ये ठंडा हो गया है। ये कुकीज़ भी देखते हैं, देखिए ये भी परफेक्टली बन गई है। अब हम इन्हें तोड़ के आपको दिखाते हैं, खा के दिखाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अवन की कुकीज़ हैं, ये हमारी कढ़ाई की कुकीज़ हैं, दोनों ही अच्छी सी फूली पफ्ड हैं। ये मैं ओवन की दिखाती हूँ आपको तोड़ के, देखिए कितनी कुरकुरी बनी है, एकदम सॉफ्ट है, एकदम बहुत यम्मी बनी है। कोकोनट एकदम टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है कोकोनट का। ये देखिए ये भी परफेक्ट बनी है, देखिए देखिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तब भी आप कुकीज़ बिस्किट कढ़ाई में भी बना ही सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, टेक्सचर भी वैसा ही है। तो आप ये रेसिपी
जरूर जरूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।